दोस्तों 68 साल बाद फिर होगी एयर इंडिया टाटा की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी। इस कंपनी की स्थापना जेआरडी टाटा ने साल 1932 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में टाटा एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने कंपनी के 49% शेयर खरीद लिए और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ चुकी थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर सरकार इसे बेच क्यों रही है? तो सुनिए, सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि वित्त वर्ष 2019-20 के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया पर कुल 38,366.39 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार ने संसद को बताया था कि अगर एयर इंडिया बिक नहीं पाती तो उसे बंद करना ही एकमात्र उपाय है। वीडियो में कुछ स्पेशल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।